हेलो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं एक नया वीडियो। आज मैं बनाऊंगी तालपोश। इसके लिए मैंने लिया 11 नंबर की एक क्रोशेट और उलन। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम एक नॉट लगाएंगे और 7 चेन। हमारे 7 चेन होने के बाद जो दो एंड है उसको हम स्लिप नॉट से अटैच करके एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल बनाना है हमें इस तरह से, सर्कल बन जाएगा। अब मैं और दो चेन लूँगी और इस जो पूरा सर्कल है उसमें 20 डबल क्रोशेट। इस तरह से आपको 20 डबल क्रोशेट बनाने हैं इसमें, और लास्ट में हमें दो क्रोशेट एक स्लिप नॉट, स्लिप क्रोशेट या सिंगल क्रोशेट से अटैच करने हैं। अब सेकंड राउंड बनाएंगे। सेकंड राउंड में हमें क्या करना है कि हर एक चेन में हमें दो डबल क्रोशेट बनाने हैं। सिंपल है, हर एक चेन में हमें दो डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो हमारे 20 डबल क्रोशेट थे फर्स्ट राउंड में, तो सेकंड राउंड में हमारे 40 डबल क्रोशेट हो जाएंगे। थर्ड राउंड में मैंने एक वाइट कलर अटैच कर लिया है। अब इस हम फोर्थ चेन लेंगे और फोर्थ चेन बनाने के बाद उसको दो डबल क्रोशेट हमें स्किप करने हैं। सेकंड और थर्ड के बीच जो हमारी चेन है उसमें से हमें सिंगल क्रोशेट के साथ उसे अटैच करना है। इसी तरह से आपको फिर से चार चेन बनाने के बाद दो डबल क्रोशेट स्किप करेंगे और अटैच करेंगे सिंगल क्रोशेट के साथ। एक पैटर्न बन जाएगा, इसे पैटर्न को हमें फॉलो करना है और पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से हमारा थर्ड राउंड तैयार हो जाएगा। अब जो फोर्थ राउंड है उसी में भी हम सेम फोर्थ चेन ले बना रही हूँ। फोर्थ चेन बनाने के बाद जो लूप बनता है उसमें हम सिंगल क्रोशेट के साथ इसे अटैच करेंगे। फिर से फोर चेन, 1 2 3 4 अटैच करेंगे नेक्स्ट वाले लूप में एक सिंपल क्रोशेट के साथ। आपको पैटर्न समझ में आ गया, इसी पैटर्न को हम फॉलो करके राउंड बनाएंगे। और मैंने चार राउंड बनाए, आप अपने अकॉर्डिंग पांच भी राउंड बना सकते हैं। अब जो 7th नंबर राउंड है उसके लिए मैंने येलो कलर का वुलन चूज़ किया है। उसमें हम पहले दो चेन लेंगे और जो लूप है उसमें से मैं चार डबल क्रोशेट बनाऊंगी। तो चार डबल क्रोशेट और जो 5th नंबर वाली डबल क्रोशेट है ये हमारी चार बन गई। जो 5th नंबर वाली डबल क्रोशेट है जिसे हमने सिंगल क्रोशेट से अटैच किया था उसमें बनाएंगे। मतलब चार डबल क्रोशेट आपको उस लूप में बनानी है और 5th नंबर वाली जो डबल क्रोशेट है वो हमें जो सिंगल क्रोशेट के जिससे अटैच किया था हमने सिंगल क्रोशेट पहले वाले राउंड में उस पर हमें 5th नंबर वाला डबल क्रोशेट बनाना है। इसी तरह से आप पूरा राउंड कंप्लीट कर लीजिए। अब पूरा राउंड कंप्लीट करने के नेक्स्ट राउंड में 10 चेन बनानी है। 10 चेन बनाने के बाद हम 3 डबल क्रोशेट स्किप करेंगे और 3rd नंबर के डबल क्रोशेट में हम या 3rd नंबर की जो चेन है उसमें हम एक सिंगल क्रोशेट के साथ अटैच करेंगे। उसके बाद आपको 4 और सिंगल क्रोशेट बनाने हैं ईच चेन में। जो भी 4th नंबर ऑफ सिंगल क्रोशेट है उसी से हम
फिर आगे सेम 10 चेन बनाएंगे। हमारी 10 चेन बनने के बाद आपको 3 डबल क्रोशेट छोड़ने हैं, 1 2 3, और उसके बाद वाले 1 2 3, उसके बाद हमें एक सिंगल क्रोशेट से इसे अटैच करना है। इस तरह से आपका लूप बन जाएगा। उसके बाद हम 4 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं, 1 2 3, और 4 नंबर वाला जहाँ से हम आगे वाला चेन की क्रोशेट तैयार करेंगे। इस तरह से हमारा एक कंप्लीट राउंड बन जाएगा। अब उसके बाद वाला जो नेक्स्ट 9 नंबर का राउंड है, उसमें हम 6 डबल क्रोशेट बनाएंगे, क्योंकि हमें एक लिप के साइड एक पेड़ के पत्ते के जैसा शेप बनाना है। तो आपको स्मॉल साइज से बिग साइज में डबल क्रोशेट बनाने हैं। इसको आपको थोड़ा टाइट करना होगा। एक दो तीन चार पाँच और ये 6। सिक्स डबल क्रोशेट के बाद 3 चेन बनाएंगे। उसके बाद फिर से सेम 6 डबल क्रोशेट लेंगे। आपको सिर्फ 6 से डबल क्रोशेट बनानी है। इस तरह से हमारा एक लिप साइज में एक पैटर्न बन जाएगा। अब हमें इसको एक नॉट क्रोशेट छोड़ के जो सेकंड नंबर का क्रोशेट है सिंगल क्रोशेट, उसमें से हमें सिंगल क्रोशेट डाल के अटैच करना है। सेम प्रोसेस करेंगे, सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है। 6 नंबर ऑफ डबल क्रोशेट, उसके बाद 3 सिंपल चेन, वन टू और ये 3, सेम अगेन 6 आपको सिंपल क्रोशेट डबल क्रोशेट बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6। एंड भी हम उसी तरह से अटैच करेंगे, एक सिंपल क्रोशेट छोड़ के जो सेकंड वाला क्रोशेट है, एक छोड़ के दूसरा वाला, उसमें हम सिंपल क्रोशेट के साथ अटैच करेंगे। इसी इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको कंप्लीट बनाना, कंप्लीट राउंड करना है। अब नेक्स्ट राउंड में मैंने वाइट कलर का थ्रेड लिया है। वाइट कलर के थ्रेड को आपको जो बीच वाले 3 चेन उसमें अटैच करना है। उसके बाद 11 नंबर चेन बनाने, 11 नंबर की उनके बाद जो 12 नंबर का चेन बनाएंगे, उसे हमें एक सिंपल क्रोशेट के साथ
अटैच करना है इस तरह से। दो पत्ते हैं उसको हम अटैच करेंगे। आपको सेम पैटर्न 11 चेन बनाएंगे। 11 चेन बनने के बाद जो 12 नंबर वाली चेन है उसे हम नेक्स्ट वाले पत्ते को अटैच करेंगे। सेम पैटर्न फॉलो करना है और जो हमें अपना राउंड कंप्लीट कर लेना है। अब राउंड कंप्लीट करने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप ये करनी है कि जो हर एक चेन है उसमें से हमें सिंगल क्रोशेट लेनी है। सिंगल चेन में सिंगल क्रोशेट इस तरह से। तो सिंगल क्रोशेट के साथ ही आपको पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद ये फाइनल लुक है। अब के इसके बाद नेक्स्ट लेयर में पांच चेन बनानी है और दो क्रोशेट सिंगल क्रोशेट स्किप करेंगे। थर्ड वाला जो क्रोशेट है उसमें हमें सिंगल क्रोशेट के साथ अटैच करना है। 1 2 3 4 5 फाइव चेन दी, फिर 1 2 और ये 3 नंबर की क्रोशेट में हम सिंगल क्रोशेट के साथ उसे अटैच करेंगे। सिंपल पैटर्न है, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें कंप्लीट राउंड बनाना है। अब सेम हमें 4 राउंड बनाने हैं। 4 राउंड बनने के बाद इस तरह से हमारा थालपोश दिखेगा। अब मैं इसमें रेड कलर का थ्रेड अटैच करके इसे हम 4 हाफ क्रोशेट बनाएंगे, सॉरी 3 हाफ क्रोशेट बनाने हैं और उन तीनों को एक ही साथ अटैच करके डबल क्रोशेट कंप्लीट कर लेना है। सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे और सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें 2 राउंड बनाने हैं। इस तरह से हमारे 2 राउंड बन जाएंगे। उसके बाद जो थर्ड राउंड है सिंपल सिंगल क्रोशेट, हर एक चेन में सिंगल क्रोशेट लेनी है। और पूरा राउंड कंप्लीट करना है। इस तरह से हमारा पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा और ये एक फाइनल लुक दिखेगा। अब मैं लास्ट लेयर के लिए कुछ लटकन ले रही हूँ। डिफरेंट कलर के ले सकते हैं, आप सिंपल कलर के भी ले सकते हैं। क्योंकि मैं वाइट कलर का वूलन यूज़ कर रही हूँ तो उसमें मैं अल्टरनेट यू 2 कलर के पहले से उसको पिरो रही हूँ। तो एक रेड एक गोल्डन, एक रेड एक गोल्डन, इस तरह से मैंने 30 नंबर्स ऑफ लटकन उसमें डाले हैं। अब वाइट कलर की थ्रेड को अटैच करने के बाद हम 6 नंबर ऑफ चेन बनाएंगे। 6 नंबर ऑफ चेन बनने के बाद 1 2 3 4 5 6 अभी हम एक लटकन लेंगे जो हमारी थ्रेड में है।
लटकन को आपको इस तरह से प्लेस करना है और आगे की जिससे हमें 6 चेन बनानी है। इस तरह से हम लटकन को प्रेस करेंगे, जो दो ब्लॉक्स हैं या 6 डबल क्रोश सिंगल क्रोशेट है सॉरी, तो वो छोड़ के स्किप करेंगे। उसके बाद सिंगल क्रोशेट के साथ हम उसे अटैच करेंगे। सेम नेक्स्ट 6 चेन बनानी है, बनने के बाद एक लटकन को उसमें अटैच करना है। 3, 4, 5, 6 अगर आपके पास लटकन अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल चेन से बना लीजिए। उसके बाद जो पॉम्पॉम वाले फ्लावर बनाते हैं उसको आप उसमें अटैच कर सकते हैं, उसके साथ भी अच्छा दिखेगा। तरह से मैंने अल्टरनेट यूज किए हैं, गोल्डन रेड गोल्डन। तो पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। पूरे राउंड के लिए हमें 30 लटकन लगेंगे, उसमें से 15 आप गोल्डन कलर के यूज़ कर सकते हैं और 15 रेड कलर के। अगर आपको किसी और कलर का भी यूज़ करना है तो भी आप कर सकते हैं। इस तरह से हमारा ब्यूटीफुल और बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला तालपोश रेडी हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।